वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अब हम लोग तमिलनाडु के, बेसिकली तमिलनाडु और केरल के जो इम्पोर्टेंट पिक्स हैं उनको देखेंगे, और उसके बाद तमिलनाडु में जो कुछ खास खास पिक है जैसे पंचाई मलाई है, सिवरॉय है, जावड़ी है, ये सबको देख लेंगे तो तमिलनाडु का टोटल पिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग वही आंध्र प्रदेश या कर्नाटक इस पे फोकस करेंगे। ऐसे कर करके हम सारे जो स्टेट्स हैं उसके इम्पोर्टेंट रेंजेस, जो पर्वत श्रृंखला है या पहाड़ियां हैं, और उसकी चोटियों को समझ लेंगे, जो अगर कोई इम्पोर्टेंट हुआ तो। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा पीसीएस तक का जो प्रीलिम्स होता है आपका अच्छे से इसी चैनल से तैयार हो जाएगा। किसी भी पीसीएस का प्रीलिम्स, दरोगा, ये सब तो एकदम हलवा जैसा लगेगा। और उसके साथ साथ, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है, ऐसी बात नहीं है। देखिए बात ऐसा है ना कि अगर अच्छे से अगर हम लोग कलेक्ट करके पढ़ते हैं तो जो भी जो लूसेंट वाला मैटर है ना, तो लूसेंट ऐसे रटने पे याद नहीं रहता है, मगर अगर हम लोग पढ़ते जाएं ये सब चीज डीप में, तो धीरे धीरे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये इसके बगल में था तो ये वाला आंसर है, इस वजह से हम कह रहे हैं। तो पीसीएस तक का क्वेश्चन काफी ज्यादा यहाँ से लड़ेगा। हम शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का आगे का पोर्शन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो आपका तमिलनाडु है ना, क्योंकि हम बोले थे कि हम पूरा कंप्लीट कराएंगे माउंटेन, तो उसी पे। तो देखिए तमिलनाडु का ही सीरीज अभी स्टार्ट होगा, बट कुछ ऐसे माउंटेन है और वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो तमिलनाडु केरल में बाउंड्री शेयर करते हैं। और एक तो ऐसा है जो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों में अपना जलवा दिखा रहा है, तो उसी से शुरू करते हैं। वो है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के बारे में ऐसा नहीं है कि हम लोग एक भी बार चर्चा नहीं किए हैं अपने वीडियोज में, पिछले वीडियो में भी किए हैं, जब वेस्टर्न घाट पर रहे थे तब भी किए हैं, वरुषनाद के बारे में भी हम लोग किए हैं। देखिए यहाँ पे वरुषनाद का नाम दिया हुआ है, इसके बारे में भी किए हैं जब हम लोग पढ़ रहे थे वेस्टर्न घाट, कि भाई ये वेस्टर्न घाट ही है, इसका जो है माने हम बोलते हैं ना ये बात बार बार कि जो आपका, जो आपके भगवान जी हैं वो क्या किए थे कि कई सारे पत्थर को जोड़ जोड़ के और पहाड़ बनाते थे, है ना, कई सारे पत्थर को जोड़ के, तो उसी में से एक वरुषनाद पहाड़ी है जो वेस्टर्न घाट को और लंबा कर दी है, समझ में आया। तो इसी वजह से, तो इसको ईस्टर्न ऑफशूट कहते हैं, तो ये वाला भी बात पढ़े थे। तो अब हम लोग पहाड़ियों के बारे में और जानते हैं। देखिए नीलगिरी की पहाड़ी जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हम लोग पिछले वीडियो में देखें कि ईस्टर्न घाट चलते चलते आया और आकर के किससे टकरा गया, वेस्टर्न घाट से, माने पूर्वी घाट जो था, पूर्वी घाट वाला क्षेत्र, पूर्वी घाट पहाड़ी, वो पश्चिमी घाट पहाड़ी से आकर के टकरा गया। टकराने के कारण क्या हुआ कि वहां पे क्या हुआ कि ऊंचाई जैसा हो गया इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे, है ना, ये जो नॉट बन करके तैयार हुआ ना, ऐसा ऐसा, है ना, ये ऐसा नॉट ही नीलगिरी कहलाया। तो ये दो पहाड़ियों से मिलकर के, जो दो पहाड़ियों का मिलन बिंदु है ना, वहां पर नीलगिरी बन करके तैयार हुआ है। अच्छा, ये हम पहले ही बताए हैं कि ये इस स्टेप में नहीं है, ये इस स्टेप में है। ठीक है, हाँ, तो ये तीन राज्यों में है, कौन कौन सा राज्य, कर्नाटक, केरल प्लस तमिलनाडु, ये तीन राज्यों में है। यहां तक का क्लियर है? हाँ, अब चलते हैं नीलगिरी के बारे में कुछ और जानते हैं। तो देखिए मान के चलिए नीलगिरी इस शेप का है ना, ऐसा अपना तीन तीन राज्यों में घूम रहा है ना। तो अब हम पूछेंगे कि कई सारा पिक होता है, कई सारा चोटी, चोटी क्या होता है, ये सब जो चीज है ना ये सब चोटी कहलाता है, ऊंचाई, माने उच्चतम बिंदु आप कह लीजिए। ठीक है, किसी पहाड़ का ऊंचा वाला बिंदु वो, ठीक है, नॉट, ठीक है, पिक, उसी को कहते हैं। तो जो सबसे ऊंचा है वो कौन है, वो है नीलगिरी का जो सबसे ऊंचा पर्वत, माने चोटी है, वो कौन है, सबसे जो ऊंचा पिक है वो है दुद्दा बेटा। कौन सा? दुद्दा बेटा, है ना। अच्छा, ये दुद्दा बेटा जो पिक है ये कहाँ है, जैसे कि हम आपको बोले थे कि जो हिमालय है, तो हिमालय तो पूरा अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, चाइना में भी है, इंडिया में भी हिमालय है, क्योंकि हिमालय एक रेंज है, पूरा लंबा फैला हुआ है, मगर हिमालय की कई सारी चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा कहाँ है भाई, तो हिमालय की एक चोटी है जो कि इंडिया में है, तो उसी तरीके से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, तो वो है सागरमाथा, यानी माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है वो, उसका नेपाल में उसको सागरमाथा के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से नीलगिरी की पहाड़ी तो तीन राज्यों में फैली हुई है, मगर इसकी सबसे ऊंची चोटी दुद्दा बेटा ये कौन से राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। क्लियर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ऊटी उत्तराखंड के ये पास पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है दुद्दा बेटा। ठीक है,
नीलगिरी के बारे में और कुछ जो खासियत है तो देख लीजिए, नीलगिरी के पास से कई सारे जलप्रपात भी गिरते हैं, जैसे पाइकारा जलप्रपात। पाइकारा जलप्रपात नीलगिरी के ही पास से गिरता है। अब इसके बाद और आप समझिए, यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, टोड्डा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोड्डा जनजाति। और एक कोट्टा जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है, कोटा जनजाति, ये भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जनजाति क्या होता है भाई, ये आदिवासी लोग हैं। सीधा सीधा अगर मतलब आम तौर पे बोलचाल की भाषा में समझिए तो ये आदिवासी टाइप के लोग हैं, कोटा जनजाति, टोटा जनजाति, इसी नीलगिरी के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ी तीन राज्यों में है, बट सबसे ऊंची चोटी केवल तमिलनाडु में है इसकी। पहला क्लियर है क्या? नीलगिरी क्लियर है पहला। इसके बाद यहाँ पे लिखा भी हुआ है हाईएस्ट पीक। अच्छा, यहाँ देखिए, टीएन का मतलब होता है तमिलनाडु, केएन का मतलब होता है कर्नाटक, केएल का मतलब होता है केरल, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आगे का बात, है ना। तो जब हम लोग नीलगिरी बना लिए हैं तो इस नीलगिरी में, ये जो नीलगिरी है ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा के ऊपर है, ठीक है। माने वेस्टर्न घाट में एक दर्रा है, पश्चिमी घाट में एक दर्रा है, तो उस दर्रे का नाम क्या है? पालघाट दर्रा, ठीक है। पश्चिमी घाट में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या है? पालघाट दर्रा। तो उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, देखिएगा, क्योंकि वो भी नीलगिरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा इसको, जैसे ये पश्चिमी घाट का ये हिस्सा हुआ ना, तो यहाँ पे इतना दूर तक भगवान जी जगह खाली छोड़ दिए हैं। ये सारा नेचुरल है, ऐसा नहीं कि इंसान भोंक के बना दिया है, नहीं, ये नेचुरल दर्रा है, नेचुरल पास है। इसका नाम पालघाट है। पालघाट नाम काहे है? ये एक पलकड़ नाम का जगह है, पलकड़, ठीक है, कहाँ पे? केरल में, पलकड़ के पास पड़ता है ये, तो इसका नाम पालघाट है। क्लियर है ये बात। इसके बाद ये किसको जोड़ता है, किससे भाई? तो ये जो है आपको कोझिकोड को जोड़ देता है कोयम्बटूर से, कोझिकोड को जोड़ देता है कोयम्बटूर से, है ना। ये कोझिकोड को जोड़ देता है कोयम्बटूर से, कांचीपुरम को जोड़ देता है कोयम्बटूर से। बेसिकली ये करता क्या है कि ये केरल के राज्य, केरल के क्षेत्रों को, केरल के सिटीज को ये किससे जोड़ देता है? तमिलनाडु के सिटीज से जोड़ता है। ये केरल के सिटीज को तमिलनाडु के सिटीज से जोड़ देता है। मान के चलिए आप पलकड़ यहाँ पे इधर है, यहां से आप निकले इस दर्रा के होते हुए और ऊपर चले गए, तो यहाँ पे तमिलनाडु में चेन्नई है। तो कहने के लिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पलकड़ को जोड़ता है चेन्नई से, ठीक है। यानी ये नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ केरल का जो हिस्सा है और नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ तमिलनाडु का या सेंट्रल पोर्शन ऑफ तमिलनाडु का जो हिस्सा है, उन सभी को जोड़ देता है। क्लियर है, पालघाट का यही खासियत है। मगर यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गया कि ये केरल को जोड़ता है तमिलनाडु से। मगर इस पालघाट का एक और खासियत है कि पालघाट का जो ऊपरी हिस्सा है ना, पालघाट का जो ऊपरी हिस्सा है वही नीलगिरी है। नीलगिरी ऐसा है नहीं, नीलगिरी कैसा है? ऐसा है, देखिए इस शेप में है, समझ में आया? नीलगिरी कैसा, जैसे ये वेस्टर्न घाट जा रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि नीलगिरी पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का ही हिस्सा नहीं है, वो तो ईस्टर्न आके टकराया और उसके बाद ना वो बना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद और यहां से फिर जो है नीचे जाएगा, ये पालघाट दर्रा है और फिर ऐसे, ठीक है, ये चीज है, क्लियर है। तो ये जो नीलगिरी है ये हो गया पालघाट के किधर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीलगिरी पालघाट के ऊपर, माने ये हिस्सा हो गया आपका नीलगिरी। तो ये पालघाट दर्रा के नॉर्थ में है या साउथ में है? नॉर्थ में है। नीलगिरी पालघाट के नॉर्दर्न हिस्सा में पड़ता है या साउदर्न हिस्सा में पड़ता है? तो नॉर्दर्न हिस्सा में पड़ता है, ठीक है, उत्तरी हिस्से में पड़ता है। और वैसे भी अगर आप समझना चाहें तो समझिएगा कि चूंकि पालघाट दर्रा पलकड़ के नाम से पड़ा है, पलकड़ कौन है? जो केरल का जगह है, जबकि नीलगिरी तो कर्नाटक वाले हिस्से में भी है ना, कर्नाटक तीन क्षेत्रों में है ना, वो तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, तब ना केरल में है, तो वो ऊपरी हिस्सा में भी है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि पालघाट, ये जो छेद है यहां से यहां तक का जो छेद है, पालघाट के ऊपर है कौन? नीलगिरी। पालघाट गैप के
ऊपर यानी नॉर्थ में पड़ता है नीलगिरी, और निचला हिस्सा में कौन पड़ता है, तो निचला हिस्सा में आपका पड़ता है अनाईमलाई। निचला हिस्सा में एक पहाड़ी पड़ता है पालघाट के नीचे, पालघाट के साउथ में पड़ता है अनाईमलाई, पालघाट के ऊपर पड़ता है आपका नीलगिरी। ठीक है, तो जो साउथ इंडिया है उसमें दो ही इंपॉर्टेंट मेनली दो ही इंपॉर्टेंट लोग हैं पहाड़ियों के मामले में, एक तो नीलगिरी बहुत ज्यादा फेमस है, दूसरा अनाईमलाई वही पहाड़ है जिसके पास पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या अनाईमलाई इंपॉर्टेंट नहीं है? तो हम इस तरीके से कह सकते हैं एक एक कहने के तौर पे, मतलब ट्रिक के तौर पे, कि पालघाट जो है वही तमिलनाडु मतलब साउथ इंडिया को पाल रहा है, एक एक, एक ट्रिक के तौर पे हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पालघाट ही पाल रहा है, क्यों? क्योंकि दो फेमस लोगों को ये क्या कर रहा है, दो फेमस लोगों से ये जुड़ा हुआ है एक तरीके से। अगर कोई नीलगिरी पढ़ेगा तो भी उसको पालघाट के बारे में ध्यान में आएगा, अगर कोई अनाईमलाई के बारे में पढ़ेगा तो भी अनाईमलाई के बारे में क्यों पढ़ेगा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि अनाईमलाई वो पहाड़ी है साउथ इंडिया का जिसके पास पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अवेलेबल है, जिसके पास पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अवेलेबल है ना, जिसका नाम क्या है, अनाई मुड़ी, मुड़ी माने माथा और अनाई का मुड़ी है वो सबसे ऊंचा पार्ट है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, अब मतलब एक आगे समझते हैं। तो ये हिस्सा हो गया आपका नीलगिरी, ये तो पूरा वेस्टर्न घाट आ रहा था, इधर से टकराया और ये बन गया नीलगिरी। नीलगिरी बनने के बाद ये जो छेद है ये पड़ा पालघाट, पालघाट क्या कर रहा है, तो भाई ये इधर केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं हम लोग आगे, ये हो गया अनाईमलाई, ये कौन हो गया अनाईमलाई, अनाईमलाई के बारे में अब समझना है ना। नीलगिरी कंप्लीट होता है, अनाईमलाई के बारे में समझना है। देखिए आपको पता है मलाई, नॉर्थ इंडिया में मलाई एक मुलायम चीज, छाली ये सबको कहते हैं, बट साउथ इंडिया में मलाई का मतलब पहाड़ होता है। ज्यादातर आप अगर नाम सुनेंगे साउथ इंडिया में तो मलाई, जैसे पंचमलाई, अनाईमलाई है ना, तो इस तरीके से, तो सिरुमलाई, तो मलाई मतलब पहाड़ होता है और अनाई मतलब हाथी होता है। अनाई मतलब क्या होता है, हाथी होता है। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पालघाट दर्रा के नीचे जो पहाड़ है जिसका नाम अनाईमलाई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हाथियों के लिए फेमस पहाड़ है, कौन, अनाईमलाई, अनाईमलाई हिल्स, पहला ये क्लियर है। दूसरा बात क्या क्लियर होना चाहिए, तो इसका रेंज कहाँ कहाँ है, तो देखिए हम कहे कि वैसे तो हम तमिलनाडु के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए हैं, बट दो तीन ऐसे हैं जो कि बाउंड्री खेलते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, तो ये कहाँ है, केरल और प्लस तमिलनाडु में है, ये कहाँ है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे इस तरीके से है, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन से हिस्सा में पड़ती है, तो वो है केरल के हिस्से में आती है वो चोटी, जो कि इसी अनाईमलाई हिल माने अनाईमलाई पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, जैसे माउंट एवरेस्ट है किसका, हिमालय का, ठीक है, तो वो केरल के हिस्से में केवल पड़ता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, अनाई मुड़ी। अनाईमलाई पहाड़ का जो मुंडी है, मुंडी जो है ना, वही है अनाई मुड़ी, और ये पिक किसके हिस्से में आया, केरल के हिस्से में आया। अनाईमलाई पिक का खासियत क्या क्या है उसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो अनाईमुड़ी पिक का पहला खासियत कि ये केरल की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो सोमेश्वर पिक है ना, सोमेश्वर पिक, माउंट सोमेश्वर, वो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है बिहार में, है ना, उसी तरीके से केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाईमुड़ी है। ये अनाईमुड़ी कौन से पहाड़ी का हिस्सा है, अनाईमलाई पहाड़ी का हिस्सा है। अनाईमलाई पहाड़ी किसका पार्ट है, पश्चिमी घाट का पार्ट है ना। अब आगे का क्वेश्चन समझिए, अनाईमुड़ी केरल का सबसे ऊंचा पिक है, और एक और बात यह है कि वैसे तो ये पड़ता केरल में है, इसका लोकेशन कहाँ है, केरल में, मगर आपको पता है ये पूरे के पूरे साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पिक है, ठीक है,
पूरे के पूरे साउथ इंडिया पेरेंसुलर इंडिया का सबसे ऊंचा पिक है। क्या यहां तक का क्लियर है अनाई मुड़ी? जैसे कंचनजंगा काराकोरम जो रेंज है, तो काराकोरम केटू जो है वो तो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया है, तो उसको हटा करके अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? कंचनजंगा है, मगर वो तो सिक्किम में है। तो सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी कोई पूछेगा कि जैसे बिहार के पास जो सबसे ऊंची चोटी है वो सोमेश्वर है, तो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हम लोग कहेंगे भाई कंचनजंगा है। और अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी प्रेजेंट इंडिया जो है अभी, तो उसका सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया तो फिर क्या कहेंगे? कंचनजंगा ही कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अनाई मुड़ी केरल की सबसे ऊंची चोटी है, क्यों? क्योंकि ये लोकेटेड कहां है? केरल में ही लोकेटेड है। और साथ के साथ अनाई मुड़ी पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया का भी मतलब सबसे ऊंचा चोटी है। क्लियर है? अगर यहां तक का अनाई मुड़ी वाला केस क्लियर है तो अब हम लोग कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अनाई मलाई जो पिक है, अनाई मलाई जो हिल है, अनाई मलाई, मलाई माने पहाड़, ये एक पहाड़ है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुड़ी, जिसके मुंडी का नाम क्या है? अनाई मुड़ी। अनाई की मुंडी है तो अनाई मुड़ी। क्लियर है? तो दो पहाड़ों के बारे में हम लोग देखें और उसका इंपॉर्टेंट जो पिक है, लार्जेस्ट पिक मतलब हाईएस्ट पिक कहिए, लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट पिक जो है वो देख लिए। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन बताइए, तमिलनाडु का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो जो नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है दोदा बेटा, हम क्या बोले थे कि वो किस हिस्से में पड़ता है? वो तमिलनाडु के हिस्से में पड़ता है। तो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन हुई? वो भी दोदा बेटा ही हुई। अब आगे चलते हैं। तो यहां पे दो पहाड़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब कैरेडेमम हिल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं फिर से। एक हिल जिसको हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं, जो कि साउदर्न मोस्ट पहाड़ी है, माने दक्षिणतम पहाड़ी है पश्चिमी घाट का, इलायची की पहाड़ी, इंग्लिश में उसको कैरेडेमम हिल्स कहते हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले नीलगिरी आया, ठीक है। नीलगिरी का कुछ हिस्सा दो लोगों के मिलने से बना है ना ये नीलगिरी, किसके किसके? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने से। ये आपका पड़ा पश्चिमी घाट, है ना, इसमें इसका भी हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल पूर्वी घाट से ही नीलगिरी बनाया, नहीं, दो लोगों के मिलने से बनाया है नीलगिरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दर्रा था, इस दर्रे का नाम क्या था? पालघाट, पालघाट दर्रा, ठीक है, पालघाट दर्रा। ये पालघाट केरल से तमिलनाडु को जोड़ता था, है ना। अब आते हैं आगे, इस पालघाट दर्रा के नीचे हम लोग क्या देखे थे? यहां तो नीलगिरी है, यहां पे कौन सा हिस्सा है? ये है अनाई मलाई, ये कौन सा है? अनाई मलाई। इस अनाई मलाई के नीचे हम लोग देखते हैं कैरेडेमम, इसके नीचे हम क्या देखते हैं? कैरेडेमम, कार्डमम होता है, ठीक है, कैरेडेमम यानी इलायची की पहाड़ी। तो फिर यहां पे बीच में हम क्या छोड़ दिए हैं? यहां भी एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है सेनकोट्टा दर्रा। यहाँ पे यानी अनाई मलाई के नीचे कार्डमम के ऊपर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सेनकोट्टा दर्रा। ये सेनकोट्टा एक जगह है, उसी के नाम पे पड़ा है, उसके नजदीक है। सेनकोट्टा दर्रा के बारे में अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा, तो ये भी क्या करता है? तमिलनाडु, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, अच्छा, मगर ये साउदर्न केरल को, कौन सा केरल को? साउदर्न केरल को, दक्षिणी केरल को दक्षिणी तमिलनाडु से जोड़ देता है। साउदर्न केरल को दक्षिणी तमिलनाडु से जोड़ता है, या फिर दक्षिणी तमिलनाडु को दक्षिणी केरल से जोड़ता है, दोनों ही बात सही है, ठीक है, यानी तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ देगा, है ना, तो ये दोनों ही बात सही है। यहां तक का अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैरेडेमम के बारे में कुछ और भी एक आध बात समझ लेते हैं।
तो केरेडेमम का भी खासियत क्या है कि वो भी अपने बड़े भाई अनाई मलाई को ही फॉलो करता है। कैसे? वो देखिए, केरेडेमम का भी जो रेंज है, किस क्षेत्र में ये फैला हुआ है, तो वो है केरल और प्लस तमिलनाडु। केरल और प्लस तमिलनाडु। केरेडेमम जाना जाता है इलायची की पहाड़ी के नाम से, यानी यहाँ पे इलायची बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा केरेडेमम की पहाड़ी में यवन प्रिय यानी ब्लैक पिपर यानी काली मिर्च, ये भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये केरल के हिस्से में भी तो आता है और केरल में बहुत सारा मसाला वगैरह होता ही है। अच्छा, इसको यवन प्रिय क्यों कहते हैं ब्लैक पिपर को, ये हिस्ट्री में हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है कि यहाँ रोमन लोगों को ये ब्लैक पिपर बहुत ज्यादा पसंद था, और तो इसी वजह से जो है इसका नाम ही पड़ गया था यवन प्रिय। ये इस सामान के खरीदने के बदले गोल्ड देते थे, ठीक है, सोने का सिक्का देते थे। और अगर इस बात को पकड़ के आप एक और बात पकड़ लें, इस बात पे ध्यान देके कि अगर ब्लैक पेपर यहां होता था और ये रोमन लोगों को पसंद भी था, यानी रोम का व्यापार साउथ इंडिया से होता होगा, है ना, यानी रोम का व्यापार साउथ इंडिया से होता होगा। और हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि जो पांडेवंश के लोग थे, पांड्या डायनेस्टी के, जो कि मदुरई साइड के थे, उन लोगों का राजा, रोम के राजा अगस्तस से बड़ा अच्छा संबंध था। तो सब चीज लगभग लगभग एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। तो केरेडेमम हिल्स कहाँ कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में है। और सेनकोट्टा जो है एक दर्रा है, किसके किसके बीच में? अनाई मलाई और इलायची की पहाड़ी के बीच में। इलायची को ही इंग्लिश में केरेडेमम बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे ये केरेडेमम भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग तमिलनाडु स्पेशल, माने ये तो जो था उसमें कोई तो कर्नाटक केरल तमिलनाडु घूम रहा है, तो कोई केरल और तमिलनाडु में बाउंड्री बना रहा है, यानी स्पेसिफिकली तमिलनाडु में तो कोई नहीं टिका हुआ है ना। तो स्पेसिफिकली अब हम लोग तमिलनाडु स्पेशल वाला जितना भी माउंटेन है उसको करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए, अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिए, क्योंकि YouTube उतना ज्यादा लोगों को भेज नहीं रहा है अभी, तो इसी वजह से आप लोग खुद ही थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।